अस्सलाम वालेकुम। एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप जो है वो सिर्फ आपके आपका ब्लू कपड़े हैं, तो मैंने नहीं भाई, मेरे पास जो है वो हर तरीके के कलर्स हैं, अच्छे कलर्स हैं, डिसेंट कलर्स हैं। खैर, अच्छा, सस्पेंशन की मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, और सस्पेंशन आपको पता है कि मुझे मतलब मेरा लक इतना अच्छा नहीं रहा कि सस्पेंशन जो है गाड़ी का मेरा 100% ओके हो जाए। उसकी वजह मैं बीच में आपको वीडियो के बताऊँगा कि क्या वजह है, जो यहाँ पे जो लोकल हमारे मैकेनिक्स हैं सस्पेंशन के, वो क्या नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो हम इतने महंगे महंगे पार्ट्स उनको खरीद के देते हैं और वो काम नहीं करते। चलें सस्पेंशन पे चलते हैं आगे, मैं बताता हूँ आपको। इसमें आगे फ्रंट में जो है वो दो बॉल जॉइंट्स होते हैं, इसका इंडिपेंडेंट विशबोन सस्पेंशन है, और हर उसके ऊपर, हर डुअल आर्म के ऊपर एक और बॉल जॉइंट लगा होता है, यानी टोटल चार बॉल जॉइंट्स होते हैं इसमें, और दो उसमें पीछे सपोर्ट के होते हैं, तो चार और चार आठ, टोटल आठ आप जो है वो कंसिडर कर लें, आठ या छः, सॉरी छः। हाँ, कोई गलती हो गई हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा भाई, मैं भी जो है वो मतलब सीख सीख के ही सीख रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ आगे आपको, तो मैं कोई ऐसा नहीं कि 100% बता रहा हूँ। और इसमें जो बुश हैं आगे, वो मतलब इतने ज़्यादा बुश नहीं है, सिर्फ टोटल आठ बुश होते हैं आगे। तो बॉल जॉइंट सस्पेंशन, इसके अलावा टायर रॉड्स के अंदर जो दो बॉल जॉइंट्स होते हैं वो टायर रॉड में ही आते हैं, वो लिंकेज के अंदर। सस्पेंशन का काम क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ भाई क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। उसको आप चेक इस तरीके से कर सकते हो, घर पे गाड़ी को अपना जैक से ऊपर करके आप उसको हाइट पे लाकर उसको हाथ से जो है ना उसके व्हील्स को आप ऊपर नीचे करते हो, उसमें प्ले आती है, ठीक है, और आवाज़ें आएंगी अगर आप हिलाओगे तो, बिल्कुल सेट नहीं होगा वो। इसमें काफ़ी प्ले आ रही है, जाहिर है बॉल जॉइंट्स का इशू है, कुछ बुशेज हैं इसके वो चेंज होने वाले हैं फ्रंट के, और एक व्हील बियरिंग है जो अगला ही है शायद, वो भी मैं इसका जो चेंज करवाऊँगा। तो आप वीडियो देखते रहिएगा, वजह मैंने आपको बता दी है कि ये है काम। Thank you.
है मोटी बोतल वाले। क्यों जो है वो यहाँ पे मैकेनिक जो है वो जो है काम कर रहे होते हैं इतने महंगे महंगे, वो हम लोग बॉल जॉइंट्स लाते हैं, बुशेस ला कर आते हैं, व्हील बियरिंग लेकर आते हैं और वो काम नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यही है भाई कि वो टॉर्क रेंच का इस्तेमाल नहीं करते। टॉर्क रेंच की तस्वीर मैं अभी लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं टॉर्क रेंच की तस्वीर। ये जो है वो ये लोग नहीं यूज़ कर रहे होते। इवन मैंने इसको होंडा के ऑफिशियल मतलब 3S 5S के ऊपर भी मैंने इसको नहीं देखा उनके पास। और टॉर्क रेंच बेसिकली होता क्या है कि आप स्पेसिफिक टॉर्क के ऊपर आपको हर जो बोल्ट और वो होता है नट, वो आपको टाइट करना होता है, ठीक है। वो अब ये यूज़ ही नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो आपका जो वो अपने उसके ऊपर टॉर्क कर रहे होते हैं ना अपने अंदाजे के मुताबिक। ज़ाहिर है भाई जब आप उसको अपने हिसाब से आप टाइट कर दोगे तो वो तो फिर खुल जाएगा ना दोबारा, या वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा या ज़्यादा वो लूज़ हो जाएगा, या तो लूज़ हो गया तो ज़्यादा टाइट हो गया। बीच की जो चीज़ जो कंपनी ने स्पेसिफिक टॉर्क दिया हुआ है वो उसके ऊपर टाइट ही नहीं होगा। ये टॉर्क रेंच खाली सस्पेंशन में नहीं आता, ये हर चीज़ में ज़रूरी होता है। इवन वेल्व कवर को आप ऊपर से टाइट कर रहे होते हो, आप प्लग्स को टाइट कर रहे हो, तो सब में स्पेसिफिक टॉर्क रिक्वायर्ड होता है जो यहाँ पे मैकेनिक्स यूज़ नहीं कर रहे होते। ओल्ड स्कूल मैकेनिक्स जिनके बारे में जाता था कार्बोरेटर पे, तो वो लोग यूज़ क्या करते थे, उस वक्त अंकल हमारे यूज़ करते थे। अब EFI वगैरह के जो मैकेनिक्स आ गए हैं स्पेसिफिकली मैंने नहीं देखा भाई इनके पास कोई इस तरीके की चीज़। इवन इनके पास वोल्ट मीटर्स भी नहीं होते कि छोटी मोटी चीज़ें EFI की चेक कर लें, और बोल रहे होते कि हम EFI के मैकेनिक हैं, बस अपने अंदाजे से चेक कर रहे होते हैं। बैटरी वाले के पास जाओ, बैटरी वाले के पास जो मीटर होता है देसी, वो मीटर होता है वो भी सही नहीं बता रहा होता। एक वोल्ट मीटर आता है छोटा सा, वो हर जो भी EFI इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे काम कर रहा होता है, आप भी पूछा करो जाके कि यार EFI तुम्हारे पास मीटर्स हैं, उसके पास हैं तो अपनी गाड़ी उससे खुलवाइएगा, वरना नहीं खुलवाइएगा, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका, ठीक है। ये था भाई टॉर्क रेंच का। निकलेगा नहीं इंशाल्लाह। लोगों को नुहाव नहीं है ना तो वो परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हालांकि काम इजीली हो सकता है।
सस्पेंशन का काम करवा के मैंने ड्राइव करी है गाड़ी, मुझे डिफरेंस इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, और यही वजह है इसीलिए मुझे इन पे मैकेनिक्स पे गुस्सा आ रहा था कि जब जाओ तो ये बोलते हैं खोल दो हर चीज़ नहीं डाल दो। असल जो मेजर प्रॉब्लम है ना इसके अंदर वो इसके शॉकर्स के जो स्ट्रट्स के जो माउंट्स है ना वहाँ पे इशू है, उसके अंदर स्ट्रट्स में बुश लगे हुए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो नई ही डालनी पड़ती है आपको, वो इसमें सस्पेंशन वाले ने मुझे बताया नहीं, जबकि ये भी मेरा बहुत पुराना सस्पेंशन वाला है। वही मैं आपसे बोलता हूँ ना कि ये लोग पैसे कमाने के लिए बोल देते हैं यार पूरी गाड़ी को लेगी हर चीज़ बदल दो, खैर अच्छा हुआ मैंने तो बदल दी सारी सारी चीज़ें, जो बंदा आगे जिसको बेचूंगा वो उसके काम आएगी, बेचनी तो नहीं है अभी गाड़ी वगैरह बात कर रहा हूँ, और व्हील बियरिंग चेंज हो गया हाँ उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है गाड़ी में ऐसी बात नहीं है, मगर जो असल जो घुट घुट की जो आवाज़ थी ना जो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी तो वो उस वाला मसला जो अभी सॉल्व हुआ नहीं है, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बी का इंतज़ार करिएगा, ठीक है। अगर आज की ये वीडियो जो है पसंद आई तो यार कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं इसके रहते हैं गाड़ी के, बॉडी की तरफ जाना है इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके, बॉडी की भी इसकी चीज़ें होंगी, जो पीस नीचे गला हुआ है वो भी मुझे करवाना है ठीक, और फिर इसके सारी जो ये जो पेंट पेंट का जो है, मगर मैं पेंट नहीं कराऊंगा इसको, टचिंग पे इंशाल्लाह मैं इसको ले जाऊंगा और इसको सीधा करूंगा, तो यार प्लीज़ इसको कर लेना लाइक, अभी आगे काफ़ी चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं भी आगे बनी हुई, उनको एडिट करना है, टाइम नहीं मिल रहा होता, बीच में जॉब भी कर रहा होता हूँ और ज़ाहिर है पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे होते हैं, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, काफ़ी महंगे बॉल जॉइंट्स मिले, महंगी चीज़ें मिली हैं, अब खैर क्या बोलें, किसको बंदा जो है वो ब्लेम करे, और वही चीज़ है कि काम हुआ तो है मगर फिर भी अभी आवाज़ें आ रही हैं, पार्ट ए था, पार्ट बी अभी आ रहा है सस्पेंशन का, क्योंकि वो जो चीज़ है वो इसके शॉकर्स पर डिपेंड करती है, इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं हाइड्रोलिक्स हैं उनमें इशूज़ हैं, इसके जो स्ट्रट्स हैं स्ट्रट्स के जो माउंट्स होते हैं शॉक एब्जॉर्बर के वो जो है वो चेंज होने वाले हो रहे हैं, और शॉक एब्जॉर्बर भी इसके जो है वो मतलब मैं वही है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या किया, फिर मैंने चेंज करवाए हैं या मैंने रिपेयर करवाए हैं कि रिपेयर करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। एक बंदा है कराची में वो रिपेयर करता है, वो काफ़ी पुराना बंदा है, उसको मुझे टेस्ट करना है इसमें ना इस मामले में, तो यार कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अल्लाह हाफिज़।